तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि क्लास टीचर सभी बच्चों से बोलता है, पार्क इस जगह पर नया है तो तुम सभी लोगों को इसकी मदद करनी है। जिसके बाद पार्क एक खाली डेस्क की ओर बैठने के लिए जाने लगता है। वहीं सभी लड़कियां उसे देखकर आपस में बातें करने लगती है, इसकी हाइट कम से कम 6 फीट होगी और यह देखने में भी कितना कूल है। वहीं पर सभी लोग पार्क को ही देखे चले जा रहे होते हैं, जो देखकर पार्क को काफी डर लग रहा होता है। और तभी पार्क को याद आता है कि जब पिछली बार वह अपने स्कूल में गया था तो इसी तरह सभी लोग उसे देख रहे थे और फिर पहले ही दिन से उन लोगों ने उसे बुली करना स्टार्ट कर दिया था। तभी पार्क अपने बगल वाले डेस्क पर देखता है तो उस जगह पर जिनसोंग बैठा होता है, जिसे देखते ही उसे अपनी पुरानी पिटाई याद आने लगती है। और अब वह अपने सामने वाली डेस्क पर उस लड़की को देखता है। अब उन दोनों को देखकर वह सोचने लगता है, मेरी किस्मत सच में बहुत ज्यादा खराब है, इन दोनों को मेरी ही क्लास में होना था। तभी जिनसोंग पार्क को ग्रीट करते हुए उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। अब पार्क भी उसे अपना नाम बताता है। वहीं वह यह देखकर खुश होता है कि जिनसोंग ने उसे पहचाना नहीं। तभी एक लड़की उस जगह पर काफी जल्दी जल्दी मेकअप करती है और पार्क के पास आकर उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि उसका नाम हानुला है। और अब वह उस जगह पर पार्क के साथ फ्लर्ट करने लगती है। अब यह सब देखकर जिनसोंग सोचने लगता है सभी लड़कियां एक जैसी ही होती है, हैंडसम लड़का देखा नहीं कि उससे फ्लर्ट करने लगती है। तभी उसका ध्यान मिजिन पर जाता है, जो भी यंसुक को ही देख रही होती है। और अब यह देखकर जिनसोंग काफी ज्यादा जेलस फील करने लगता है। अब हमें लंच टाइम में कैंटीन दिखाया जाता है, जहां पर सभी लोग अपने खाने में लगे हुए होते हैं। तभी उस जगह पर यंसुक की एंट्री होती है, जिसे देखते ही सभी लड़कियों के होश उड़ जाते हैं। तभी उस जगह पर हालुन भी आ जाती है और वह यंसुक को उस स्कूल के बारे में बताने लगती है। अब हालुन यूनसुक से पूछती है कि आखिर यूनसुक ने इस जगह पर फैशन डिजाइनिंग कोर्स क्यों लिया है। यह सुनकर यूनसुक को याद आता है कि जब वह अपने स्कूल में अपना ट्रांसफर करवाने के लिए गया था, तब उसके टीचर ने उसे बताया था कि यंसुक के मार्क्स उतने अच्छे नहीं हैं, जिस वजह से वह दूसरे स्कूल में फैशन डिजाइनिंग के कोर्स के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। अब यंसुक हिचकिचाता हुआ बोलता है, मुझे बचपन से ही फैशन डिजाइनिंग पसंद है। अब यंसुक जाकर अपना खाना लेने लगता है। तभी हालुन उसके पास आती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें हमारा स्कूल कैसा लगा। यंसुक बोलता है, यह स्कूल काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस जगह पर मुझे कोई भी खाना लेने से रोक नहीं रहा है और यहाँ पर सभी लोग मेरे साथ नाइस बिहेव कर रहे हैं, जो सुनकर हालुन को अजीब लगता है। अब यंसुक भी परेशान हो जाता है और बोलता है, मैं बस मजाक कर रहा था। दूसरी ओर जिनसोंग यंसुक को देखकर काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि यंसुक अपने क्लास में बैठा होता है। वहीं पर उसे काफी ज्यादा नींद आ रही होती है, क्योंकि कल उसने काफी ज्यादा एक्सरसाइज की थी। और अब उसे याद आता है कि पार्क में वह अपनी नई बॉडी को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कर रहा था, और अब वह उस जगह पर नए तरीके से चलने की प्रैक्टिस करने लगता है, जो देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग बोलने लगते हैं, यह जरूर कोई मॉडल है जो अपने मॉडलिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। तभी चलते चलते उसका पैर फिसल जाता है और वह गिरने ही वाला होता है कि तभी वह खुद को संभाल लेता है। और अब उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी पहले से काफी ज्यादा हल्की हो गई है। अब वह उस जगह पर तेज चलने की कोशिश करता है। तभी वह नोटिस करता है कि उसकी स्पीड भी इस जगह पर काफी ज्यादा बढ़ गई है और अब वह काफी तेजी से दौड़ता हुआ अपने घर की ओर जाने लगता है। और इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से उसकी बॉडी काफी ज्यादा थक चुकी होती है और अब प्रेजेंट टाइम में वह अपने क्लास के दौरान ही सो जाता है। तभी उसकी आंख खुलती है और अब वह अपनी पुरानी बॉडी में होता है, जो देखकर वह परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं उस जगह पर सो गया, मुझे अपनी नई बॉडी में वापस जाना होगा, वरना मैं यहाँ पर प्रॉब्लम में आ सकता हूँ। और अब वह उस जगह पर दोबारा सोने की कोशिश करता है, पर उसे नींद नहीं आ रही होती है, क्योंकि उसकी यह बॉडी पिछले 24 घंटों से सो रही होती है। वहीं जब तक वह इस बॉडी में सोता नहीं, तब तक उसकी दूसरी बॉडी नहीं जगती, इसीलिए वह जबरदस्ती उस जगह पर सोने की कोशिश करता है, पर उसे नींद ही नहीं आ रही होती है। तभी स्कूल में हालुन यंसुक की नई बॉडी को जगा देती है, जिससे यंसुक वापस अपनी नई बॉडी में आ जाता है। और अब हालुन यंसुक को बताती है कि क्लास पहले ही खत्म हो चुकी है, इसीलिए उसने यंसुक को जगाया है। यह सुनते ही यंसुक हानुल की तारीफ करने लगता है, जो सुनकर हानुल काफी ज्यादा खुश होती है। अब हमें दिखाया जाता है कि यंसुक अपनी पुरानी बॉडी में मौजूद होता है और वह एक शॉप में पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आया होता है।
वहीं शॉपकीपर यंसुक को देखकर काफी ज्यादा चिढ़ा हुआ होता है। अब यंसुक को याद आता है कि जब वह अपना स्कूल खत्म करके घर वापस लौट रहा था, तब उसे इस दुकान के बाहर पार्ट टाइम जॉब के लिए एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर वह पार्ट टाइम जॉब लेने के लिए उस शॉपकीपर के पास आया। अब शॉपकीपर यंसुक की पर्सनैलिटी देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और सोचने लगता है कि अगर यह पर्सन मेरी दुकान पर काम करेगा तो मेरी दुकान में लड़कियों की लाइन लग जाएगी, क्योंकि यह देखने में इतना हैंडसम है। अब यंसुक बोलता है, तो क्या आप मुझे यह जॉब दे सकते हैं? तभी शॉपकीपर बोलता है, तुम आज से ही काम करने के लिए आ सकते हो और मुझे यह बता दो कि तुम कितना पैसा लोगे। तभी यंसुक बोलता है, एक्चुअली में यह जॉब मुझे नहीं चाहिए, यह जॉब मेरे एक दोस्त को चाहिए। और यह सुनकर उस शॉपकीपर के सपने चकनाचूर हो जाते हैं, जिसके बाद यंसुक अपने घर पहुंचकर अपनी पुरानी बॉडी के साथ वापस उस शॉप में आता है और उस शॉपकीपर से बोलता है कि मेरे दोस्त ने आपसे इस जगह पर काम की बात की थी। अब यंसुक के मोटे शरीर को देखकर वह शॉपकीपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि तुम अभी बस हाई स्कूल स्टूडेंट हो और हाई स्कूल स्टूडेंट्स को इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है। अब यंसुक बोलता है, पर आपने मेरे दोस्त से कहा था कि मैं आज से ही काम पर आ सकता हूं। शॉपकीपर बोलता है, और फिर बाद में मैंने इस बारे में सोचा और मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे दुकान पर ज्यादातर लोग सिगरेट खरीदने के लिए आते हैं और हाई स्कूल स्टूडेंट्स को सिगरेट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तभी यंसुक उस दुकान में मौजूद सभी सिगरेट के बारे में उस शॉपकीपर को बता देता है, जो सुनकर शॉपकीपर काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं यंसुक सोच रहा होता है कि जब मैं पिछले स्कूल में था, सभी लोग मुझे मार पीट कर दुकानों से सिगरेट लाने के लिए बोला करते थे, जिस वजह से मुझे सब सिगरेट्स के बारे में पता है। अब वह शॉपकीपर यंसुक को नौकरी देने के लिए तैयार हो जाता है, पर वह उसे काफी कम पैसे देता है। अब शॉपकीपर यंसुक के पास आता हुआ बोलता है, तुम रात भर इस दुकान को संभाल तो लोगे। यंसुक बोलता है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी वह शॉपकीपर बोलता है, कभी कभार तुम अपने हैंडसम दोस्त को भी इस जगह पर ले आना, जिससे मेरी कमाई थोड़ी बढ़ जाए। अब शॉपकीपर वहां से चला जाता है। वहीं यंसुक सोच रहा होता है कि मुझे इस जगह पर एक पार्ट टाइम जॉब मिल गई है, यह मेरे लिए एक अच्छी बात है, जिससे अब मुझे पैसों की चिंता नहीं रहेगी। और अब इस जगह पर मेरे पास दो शरीर है, जिन्हें मैनेज करने में डबल खर्चा लगेगा। अब यंसुक अपनी बॉडी के बारे में उस जगह पर लिखने लगता है और बोलता है कि अब तक मुझे मेरी बॉडी के बारे में यह पता चला है कि जब मेरी एक बॉडी सो रही होती है, तब मेरी सोल दूसरे बॉडी में होती है, और जब मेरी दूसरी बॉडी सो रही होती है तो मेरी सोल वापस से पहले बॉडी में चली जाती है, और अगर मैं काफी ज्यादा थक जाऊं तो मेरी सोल दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी, और जब तक मेरी एक बॉडी सो नहीं जाती, मेरी दूसरी बॉडी नहीं जग सकती है। पर अगर कोई पर्सन मेरी सो रही बॉडी को जबरदस्ती जगा दे, तब मैं उस जगह पर अपनी उस बॉडी में जा सकता हूँ। तभी स्टोर के अंदर कुछ लड़के आते हैं। पार्क उन्हें देखकर पहचान जाता है, यह लड़के उसी के क्लासमेट होते हैं। अब वह पार्क से सिगरेट का पैकेट मांगते हैं। तभी पार्क बोलता है, आपको सिगरेट का पैकेट देने से पहले मुझे आपकी आईडी देखनी होगी। यह सुनकर वह पर्सन अपनी आईडी देता है, पर यंसुक देखता है कि वह आईडी किसी और की है, इसीलिए वह उस पर्सन को सिगरेट देने से मना कर देता है। तभी उस जगह पर जिनसोंग आ जाता है और वह भी इन लड़कों के साथ होता है, जो उस जगह पर यंसुक को उसकी पुरानी बॉडी में देखकर उसे पहचान जाता है। अब वह उस दुकान से काफी सारा सामान उठाता है और यंसुक से बोलता है कि मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, तुम इसकी पेमेंट कर देना, और मुझे पता है कि उस दिन तुमसे गलती हुई थी जिसकी तुम मुझसे माफी मांगना चाहते हो, तो अगर तुमने इसकी पेमेंट कर दी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। पर यंसुक कुछ भी नहीं बोलता है। तभी जिसोंग यंसुक का नाम देखता है और सोचने लगता है कि तुम्हारा नाम भी यंसुक है, और अब उसे मिजिन की याद आती है कि किस तरह मिजिन यंसुक को देख रही होती है, और इस बारे में सोचकर उसे काफी गुस्सा आता है, और अब वह उस जगह पर यंसुक को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। अब यंसुक को काफी बुरी तरीके से मारने के बाद वह लोग उसका पैंट उतार कर उसकी एक फोटो ले लेते हैं और बोलते हैं कि अगर तुमने पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो हम तुम्हारी इस फोटो को वायरल कर देंगे, तो अपना मुंह इस जगह पर बंद रखना। और यह बोलते हुए वह सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अब यंसुक को उसकी पुरानी सभी मेमोरीज याद आने लगती है और वह उस जगह पर बुरी तरीके से रोने लगता है।
तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है जो उससे पूछती है कि आखिर उसका नया स्कूल कैसा है और उसने अपने नए स्कूल में दोस्त बनाए हैं या नहीं। यंसुक अपने आप को संभालता हुआ बोलता है, मैं इस जगह पर काफी खुश हूँ और यह स्कूल काफी ज्यादा अच्छा है, पर अभी इस वक्त मैं काफी बिजी हूँ, तो मैं आपसे बाद में बात करूंगा। तभी उस जगह पर एक पर्सन आता है जिसे देखकर यंसुक की मॉम कॉल कट कर देती है और अब हमें पता चलता है कि यंसुक के रूम का किराया देने के लिए यंसुक की मॉम रात में रद्दी जमा कर रही होती है जिसे बेचकर वह थोड़े पैसे कमा सके। अब दिखाया जाता है कि अगली सुबह यंसुक अपनी नई बॉडी के साथ स्कूल जाता है जहाँ पर उसे देखकर सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं। तभी हालून उसके पास आती है और उससे बोलती है कि मेरे साथ चलो, हमारे पास कुछ ऐसी चीज है जिसे देखकर तुम्हें काफी मजा आएगा। तभी वह पर्सन बोलता है, यह फोटो हमने कल रात खींची थी, वह सच में एक मोटा गंदा सुअर था जिसे हमने बुरी तरीके से मारा और हमारे पास उसकी यह फोटो है। अब यह सुनकर सभी लोग वहाँ पर हंसने लगते हैं। तभी वह पर्सन बोलता है, जिन सॉन्ग को कल पता नहीं क्या हो गया था, इसने अचानक ही उस पर्सन को मारना स्टार्ट कर दिया और तब तक मारा जब तक उसकी हालत खराब नहीं हो गई। वहीं सभी लोग जिन सॉन्ग की तारीफ कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि जिन सॉन्ग काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके पंचेस का सामना कोई भी नहीं कर सकता है। वहीं यह सब सुनकर यंसुक को काफी गुस्सा आ रहा होता है। तभी जिनसोंग बोलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, वैसे भी मैं एक प्रो बॉक्सर हूँ। अब वह लोग उस जगह पर यंसुक की मोटी बॉडी का और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं, जिनसोंग तब तुम क्या करोगे जब वह पर्सन अपने पेरेंट्स को इस जगह पर बुला कर ले आएगा। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है उसके पेरेंट्स भी उसी की तरह भद्दे होंगे, एक बार इमेजिन करो उसकी पूरी फैमिली पिग्स की तरह दिखती होगी। अब यह सब सुनकर यंसुक को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वह बोलता है कि तुम्हें इस जगह पर उस पर्सन के मॉम की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। अब यह सुनते ही पूरी क्लास शांत होकर यंसुक की ओर देखने लगती है। वहीं जिमिंग भी यंसुक को देख रही होती है जो देखकर जिनसोंग को काफी गुस्सा आता है और वह बोलता है, यंसुक क्या तुम इस जगह पर मुझसे फाइट करना चाहते हो। अब वह दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और अब पूरे स्कूल में यह बात फैल जाती है कि इस जगह पर यंसुक और जिनसोंग की फाइट स्टार्ट होने वाली है और अब सभी लोग चारों ओर से घेर कर उन्हें देखने लगते हैं। वहीं खड़ा उनके क्लास का एक पर्सन भी चुपचाप उन्हें देख रहा होता है। तभी जिनसोंग यंसुक पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। यंसुक बोलता है, मैं इस जगह पर तुमसे फाइट करना नहीं चाहता हूँ। पर जिमिंग अभी भी यंसुक की ओर देख रही होती है जो देखकर जिनसोंग को और भी गुस्सा आता है और वह यंसुक पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वह पर्सन आकर जिसोंग का हाथ पकड़ लेता है और इस पर्सन का नाम होंग जेयोल है। जिनसोंग बोलता है, होंग जेयोल मेरा हाथ छोड़ो वरना तुम बहुत पछताओगे। और अब वह अपना हाथ होंग जेयोल से छुड़वाकर यंसुक की ओर अटैक करने को आगे बढ़ता है, पर यंसुक काफी आसानी से जिनसोंग के पंच को डॉज कर लेता है जो देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि आज तक कोई भी जिनसोंग के पंच को डॉज नहीं कर पाया था। वहीं यंसुक सोच रहा होता है, भले ही जिनसोंग के पंच की स्पीड को कोई भी नहीं देख सकता है, पर मैं उसके पंच के स्पीड को काफी आसानी से देख पा रहा हूँ क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैं रोज ही पिटता आ रहा हूँ और अब मुझे मेरी ओर आ रहे सभी पंचेस दिखाई देते हैं। अब यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग यंसुक की तारीफ करने लगते हैं जो सुनकर जिसोंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वह बिना रुके लगातार यंसुक को पंच करने की कोशिश करने लगता है, पर यंसुक काफी आसानी से उसके सभी पंचेस को डॉज कर लेता है। तभी जिनसोंग यंसुक को दोबारा पंच करता है। अब यंसुक के पास डॉज करने की जगह नहीं होती है और उसी वक्त यंसुक के हाथ अपने आप मूव होते हैं जिससे वह जिसोंग के अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर लेता है। यह देखकर जिनसोंग काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचने लगता है कि इसे इस जगह पर बॉक्सिंग की काफी अच्छी नॉलेज है। वहीं यंसुक काफी ज्यादा डर रहा होता है। आसपास मौजूद सभी लोग उनकी वीडियो बना रहे होते हैं और अब यह देखकर यंसुक को याद आने लगता है कि बीच रोड पर जिनसोंग ने उसे कितनी बुरी तरीके से मारा था, जो बात याद करके उसे काफी गुस्सा आता है और अब वह काफी तेजी से जिनसोंग के पेट में एक पंच मारता है। अब उस पंच से जिनसोंग की हालत खराब हो जाती है और उसकी सांस रुक जाती है। अब यह देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि जिनसोंग उनके स्कूल का एक पावरफुल फाइटर था जिसे यंसुक ने अपने एक ही पंच में हरा दिया। वहीं यह देखकर यंसुक भी काफी ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है, क्या मेरे बॉडी के अंदर सच में इतनी ज्यादा पावर है
अब यह बात पूरे स्कूल में आग की तरह फैल जाती है। वहीं इस स्कूल में कई सारे गैंग्स भी मौजूद होते हैं, जिन्हें जब यह बात पता चलती है वह काफी हैरान होते हैं, क्योंकि जिनसोंग एक पावरफुल फाइटर है जिसे हरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। अब उन सभी लोगों की नजर यंसुक पर होती है। वहीं पर सभी लोग बोल रहे होते हैं कि अब यहाँ पर यंसुक बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।